हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे चीज कैसे बनाते हैं। चीज के लिए मैंने दोस्तों एक बर्तन लिया है और ये आधे किलो दूध है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, और एक नींबू की जरूरत पड़ेगी। इसमें अब क्या करते हैं हम दोस्तों, इस थैली को मैं खोल लेती हूँ। खोल के ये दूध इसमें डाल लेते हैं। अब इसको हम बॉइल करेंगे। आज हम दोस्तों थोड़ा सा चीज बना रहे हैं, आप किसी भी क्वांटिटी में बना सकते हो। देखो दोस्तों, हमारा दूध उबल चुका है। अब हम इसमें ये नींबू का रस है, मैंने एक कटोरी में निकाल लिया एक नींबू का, इसको अब हम धीरे धीरे डालेंगे और इसको हम चलाएंगे इस तरीके से। ये देखो दोस्तों, हमारा दूध फटना स्टार्ट हो गया है। दूध ये फट चुका है, तो अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। मैंने ये एक कटोरी बड़ी ले ली है, ये छलनी है, और इसके ऊपर हम कपड़ा रख लेंगे इस तरीके से। आप कोई भी कपड़ा रख सकते हो। अब इसको मैं छान लूंगी, तो मैंने ये छान लिया है। अब मैं जो ये नीचे का पानी है इसको निकाल के इस बर्तन में डाल दूंगी। अब इसको दोस्तों मैं अच्छे से धोऊंगी। जो नींबू हमने डाला है उसकी खटास इसमें नहीं आनी चाहिए। मैंने ये अच्छे से धो लिया है। इसको धो के इस तरीके से पोटली सी बनाएंगे, और हम अब इसको हम अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो इसका पानी हमारा अच्छे से निचड़ चुका है। ये देखो, ये हमारा पनीर टाइप से बना है। अब दोस्तों, ये जो हमने पनीर निकाला है इसको हम मिक्सी में डाल लेंगे। डालने के बाद दोस्तों इसमें मैं 2 चम्मच मैदा डालूंगी। ये दोस्तों बटर है, ये मैंने गरम कर लिया है, इसमें डालूंगी इसको भी। 1/2 चम्मच दोस्तों इसमें हम नमक डालेंगे। अब मैं इसे मिक्सी में घुमा के लेके आ रही हूँ। ये देखो दोस्तों, हमारा चीज बनके तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों एक मैंने ये बॉक्स ले लिया छोटा सा, इसमें मैं अंदर इसको सबको इसमें डाल लूंगी। ये देखो दोस्तों, मैंने इसमें ये सेट कर लिया अच्छे से। अब मैं इसको बंद कर दूंगी टाइट से, और इसको मैं 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख दूंगी। फ्रीज में रखने के बाद दोस्तों हमारा चीज तैयार हो जाएगा। तो ये 3 घंटे बाद मैंने फ्रीजर में से निकाल लिया है। अब इसको हम, ये जम चुका है एक अच्छे से तरीके से, एक चक्कू से हम इसको देखो दोस्तों खुद ही निकल रहा है। देखो दोस्तों कितना अच्छा चीज बना है हमारा। अब इसको मैं ग्रेट करके दिखाऊंगी आपको। देखो दोस्तों, हमारा चीज बनके तैयार है। तो इसे हम किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। हम बर्गर बना सकते हैं, पिज्जा बना सकते हैं, या ब्रेड पे, किसी पे भी यूज कर सकते हो। और बाहर के बाजार से ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, आप घर में ट्राई कर सकते हो इसको। और सबसे अच्छा रहता है, खाना भी चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए, और अच्छे से खा लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी।